तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फ़ैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फ़ैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े
और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही, ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ, फिल्म ने 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं, तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को भी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं, उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को, और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही, ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ, फिल्म ने 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही
फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है, यानी हो चुकी है। तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो केजीएफ या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर ले इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर है नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कलिनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री है विजय पूजा हेगड़े और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रियक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है, यानी हो चुकी है। तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है।
और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है। और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था।
आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः डी आर के किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो केजीएफ या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेते हैं विजय पूजा हेकड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं
उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय, पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं, ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था, और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था, आर निर्मल द्वारा संपादित, और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलते हैं, तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं, उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय, पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं, ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा
बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत नीरू द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत नीरू द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े
और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया, आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ फिल्म ने 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं, तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं, उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ फिल्म ने 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही
फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है, यानी हो चुकी है। तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो केजीएफ या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर ले इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर है नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री है विजय पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आ निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रियक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है, यानी हो चुकी है। तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है।
और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है। और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था।
आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः डी आर के किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो केजीएफ या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं
उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय, पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं, ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ, फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था, और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था, आर निर्मल द्वारा संपादित, और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं, तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं, उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय, पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं, ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा
बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत नीरज द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत नीरज द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फ़ैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फ़ैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े
और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया, आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं, तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं, उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही
फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलते हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है, यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो केजीएफ या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर ले इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर है नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री है विजय पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रियक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलते हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है, यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है।
और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है। और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था।
आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः डी आर के किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो केजीएफ या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं
उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय, पूजा हेगड़े, और छायाकरण से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था, और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था, आर निर्मल द्वारा संपादित, और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलते हैं, तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय, पूजा हेगड़े, और छायाकरण से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा
बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत नीरज द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत नीरज द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े
और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया, आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही, ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं, तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं, उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को, और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही, ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही
फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है, यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो केजीएफ या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर ले इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर है नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री है विजय पूजा हेगड़े, और छायाकरण से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रियक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है, यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है।
और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है। और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था।
आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः डी आर के किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो केजीएफ या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिन में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं
उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेते हैं विजय, पूजा हेगड़े, और छायाकरण से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं, ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ, फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था, और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था, आर निर्मल द्वारा संपादित, और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं, तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं, उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेते हैं विजय, पूजा हेगड़े, और छायाकरण से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं, ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा
बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत नीरज द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत नीरज द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फ़ैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फ़ैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े
और छायांकन से मनोज और द्वारा संपादित किया गया, आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं, और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं। पर सॉरी, मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा, और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन, और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक अधिकारी घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2020 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही
फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलते हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है, यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज देखना पसंद करता हूँ। इनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो केजीएफ या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है, और द्वारा निर्मित है कालीनीति मरानी द्वारा, और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े, और छायांकन से मनोज, और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा, और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है, सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी, और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी, लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी, क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े हीरोज हैं, तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया, जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं, तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं, और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलते हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है, यानी हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना, पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं, पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती, पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी केजीएफ को टक्कर देने वाली है, पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि केजीएफ मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है।
और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है। और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः DRK किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और KGF दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम KGF से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था पर अभी ये मूवी आज ही रिलीज होने वाली है यानी हो चुकी है तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की बात करें, दोस्तों मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मूवी तो आज ही रिलीज हुई और सिनेमाघरों में अभी भी चालू हुई है दिखना पर अभी मैंने टिकट नहीं लिया और मूवी को भी नहीं देखा है। पर यह मूवी की ट्रेलर से मुझे अंदाजा लगा है कि यह मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी क्योंकि इस मूवी में ग्राफिक्स और सिनेमेटिक और जैसे कि हॉलीवुड में फिल्में जैसे होती हैं उसी प्रकार की मूवी कुछ है। और हाँ, ऊपर से दूसरी बड़ी बात क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो विजय हैं और मैं इनकी ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। उनकी मैंने ज़्यादातर मूवीज़ देखी हैं पर सॉरी मुझे तमिल तो नहीं आती पर जितनी भी हिंदी डब हुई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और शायद आप भी इन्हीं के फैन हो इसीलिए इस मूवी को ढूंढ रहे हो। और हाँ दोस्तों, मूवी की बात करें तो मूवी KGF को टक्कर देने वाली है पर कितना टक्कर देगी ये तो अभी नहीं पता क्योंकि KGF मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वो 14 तारीख को रिलीज होगी लेकिन ये तो 13 तारीख को रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, बात हो KGF या फिर ये बीस्ट मूवी की, मैं दोनों हीरो का फैन हूँ और मैं दोनों मूवीज़ को देखूंगा और आप भी शायद यही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तो यह मूवी दोस्तों रिलीज होने वाली है 13 अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन और इस मूवी के लेखक भी नेल्सन है और द्वारा निर्मित है काली नीति मरानी द्वारा और अभिनेत्री हैं विजय पूजा हेगड़े और छायाकरण से मनोज और द्वारा संपादित किया गया आर निर्मली द्वारा और संगीत दिया है अनिरुद्ध ने और उत्पादन सूर्यचित्र ने किया है सूर्यचित्र कंपनी की तरफ से। और इस मूवी की कुल लंबाई शायद 155 मिनट की होगी और इस मूवी की भाषा तो तमिल होगी लेकिन यह हिंदी में भी डब होकर रिलीज होगी क्योंकि अब की मूवीज जितनी साउथ की आ रही ज़्यादातर जो ज़्यादा बजट या फिर ज़्यादा फेमस हीरो जो बना रहे हैं जो ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं तो वो उनकी मूवी ज़्यादातर तमिल और कई लैंग्वेज में डब होकर तब रिलीज होती है। और इस मूवी का बजट तो 150 करोड़ है, अब देखो कमाई कितनी करती है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों यह मूवी 1 दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने 1 अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उस दिसंबर को पूरा किया। इसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया जिनमें एक शॉपिंग मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट भी शामिल है जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी जबकि छिटपुट कार्यक्रम दिल्ली और जार्जिर में हुए थे। संगीत निरुद्ध द्वारा तैयार किया गया था और छायाकरण मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था।
आर निर्मल द्वारा संपादित और क्रमशः डी आर के किरण द्वारा प्रीक्षण किया गया था। तो अंदाजे के हिसाब से मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी कि एक शॉपिंग मॉल होगा, उसमें कुछ विलन लोग यानी कि गुंडे लोग लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो ये एक सीक्रेट काम से उन लोगों को छुड़ाते हैं और उसमें बहुत ही एक्शन और बहुत ही फाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके सामने बीस्ट और केजीएफ दोनों मूवी देखने को मिलती हैं तो आप दोनों में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, या आप दोनों मूवी देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो हम केजीएफ से रिलेटेड अपडेट और जानकारी पर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।